गुड मॉर्निंग साथियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल हौसला बना के रखिए, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हम आपके साथ हैं, रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 चल रहा था, जिसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके थे, आप लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा है ये सफ़र। चलिए आगे देखते हैं। 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 और बाहर से है 2 का पावर 2। साथियों, आप सभी जानते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है कि किसी भी संख्या का घात 0 का मान 1 होता है ना? ये आप बहुत पहले से परिचित हो, पुराने खिलाड़ी हैं ना इसमें तो बहुत सारे, कुछ ही तो नए हैं। तो चलिए, टेंशन मत लेना, बस देखते रहना, पूरा क्लास देखना, एट द एंड तक देखना। हाँ, तो अब आप लोग यहाँ बहुत कुछ समझ गए होंगे कि अगर हम इसको हल करेंगे कोष्ठक के अंदर पहले, तो इसकी पावर जो 0 है इसका मान 1 हो जाएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि 4 की घात अगर -1 है तो इसका मतलब 1/4 होता है, ये नीचे धन, इसकी घात 1 रही होगी प्लस में। जैसे अगर कहीं पर 3 की घात -2 है तो इसका मतलब है कि 1/3 की घात 2 रहा होगा, तो ये ऊपर घात जाती है तब माइनस हो जाती है। इसके बारे में आप पहले से बहुत अच्छे से परिचित हो। तो बस फिर बचा क्या है, बाकी जो बचा है आप लोग समझ ही रहे हो, अब देखना आगे क्या होता है। चलिए, इसका मान, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4, और ये इंटू बाहर से क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4। बात पक्की, कमेंट करके बता दीजिए कुछ लोग समझ गए इसका उत्तर कितना आएगा, तो जल्दी करिए, देर ना हो जाए कहीं। इसको हल करोगे तो 5 1 कम 5, मतलब ये 4 1 कम 4 1 5, टोटल इसे हल कर लेना, 5/4 आएगा इंटू ये 4, 4 से 4 कट गया, इसका आंसर 5 आ गया। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हो अगर कोई शंका है तो। चलिए अगला सवाल, हम आगे पीछे होते रहते हैं, आप नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखो भाई, इसमें भी घात माइनस है। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अगर कहीं पर 3/2 इसकी घात लगी है -5 ना, तो आप इसकी घात को प्लस में तब कर सकते हो जब इस भिन्न को पलट दो, जो 3/2 था उसको 2/3 कर लो और घात आप प्लस लगा सकते हो, ठीक ना? ये ट्रिक जान लो या शॉर्टकट जान लो, चाहे जैसे भी जान लो, इसको याद रखना, मतलब फ्रैक्शन को पलट देना तो घात प्लस कर सकते हो। अब आगे इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि इसको हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए, पहले इन सभी घातों को हम प्लस करेंगे, तो ये जो घातें माइनस हैं इनको प्लस करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 2, बीच में देखो धन के चिन्ह लगे हैं प्लस के, ये 3/1 का पावर हो जाएगा 2 और ये 4/1 का पावर हो जाएगा 2। सभी घातें प्लस हो चुकी हैं तो बस अब देर नहीं, इसका आंसर 29 आ जाएगा। ये देखो, ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये हो गया 16, ऐड कर लो सभी को, 29 आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए, बिना देर करते हुए तुरंत करिए, जल्दी करें, हो गया, आगे चलें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों, एक्सरसाइज ये 12.1 है ना, ये लगभग ख़त्म होने वाला है, इसमें का ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब 4 पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, और क्लास को बीच में स्किप ना करना अगर कुछ समझना और सीखना चाहते हो बाबू। तब 3 का पावर है -1, टेट सीटेट तो चुटकियों में निकल जाएगा अगर इन सब बातों को आप अच्छे से सीख जाओगे तो। ये क्या है -1, प्लस 4 का पावर -1 और फिर प्लस ये 5 का पावर -1 और सबकी घात बाहर से लगा है 0। जो समझदार है ना उनके लिए कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है, अंदर में कितना अच्छा सजा हो, कुछ भी हो, बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन ब्रेकेट बंद है, बाहर घात 0 लगी है,
तो घर में कितना भी है भरा हो, कहते हैं ना अगर माँ भूखी है तो सब कुछ सत्यानाश है। सुना है ना, इसको जानते भी हैं, सच भी है। तो अंदर से कोई मतलब नहीं, अगर बाहर जीरो लगा तो इसका कुल मिला के मान लास्ट में एक हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो देखना। इसकी घात -1 है अगर, तो ये प्लस कब होगा, जब ये पलटेगा 1/3 ना। एक बात ध्यान देना, ये -1 का मतलब जानते हो, इसका मतलब हुआ 1/3। तो इसी तरह से अगर करोगे तो ये सब हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5 घात हो जाएगा बाहर से जीरो। इसको जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे साथियों, लास्ट में जो भी आएगा आपका उसकी घात बाहर से जीरो आएगी ना, और किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, तो फाइनल में आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए तुरंत बिना देर करे हुए। हो गया इतना, आगे चलें। चलिए बहुत ही फास्ट चलना हमारे साथ साथ, बस कोशिश करते रहना। एक बात याद रखिए, मैथ अगर आपको बहुत ही मुश्किल लगती है तो आज से इस शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, मैथ आसान है, बहुत आसान है। आप हमारे साथ क्लास तो करके देखिए 4-6 दिन, फिर आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई आसान तो है। -2/3 इसका पावर का पावर लगा है, और ये 1 पावर है -2, और फिर 1 ब्रेकट है, और फिर बाहर से 1+2 है। अब ऐसा मुसीबत वाला सवाल कैसे होगा, ध्यान देना, बहुत आसान है। सबसे पहले एक एक मुसीबत को हम दूर करेंगे, एक एक मुसीबत को दूर करेंगे मतलब इसका समझना। देखिए साथियों, यहाँ पर अंदर में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सबसे बड़ा मुश्किल तो ये है। पहले आप बाहर की मुसीबतें दूर करिए, अपने घर की बात अपने घर में रहेगी। तो बाहर की पहले घात प्लस करेंगे, आप जानते हो कि इसको पलट देंगे, है ना, इसको पलट देंगे तो बाहर की जो घात लगी थी माइनस वाली वो प्लस हो जाएगी। इसके बारे में हम आपको सिखा चुके हैं ना, देखना हम क्या कर रहे हैं, समझना। मतलब हमने ये जो माइनस था उसको प्लस बना लिया, क्योंकि इसको 2/3 को 3/2 कर दिया, अंदर वाला माइनस वैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, और बाहर वाला जो 2 था इसको भी हमने वैसे ही लिख लिया बिना किसी बदलाव के। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, आप जानते हो, मतलब कि -3/2 का घात लास्ट में 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसे आप हल करोगे, 3 3 9 3 27, 3 कितना होता है, 81 होता है, 81 ना, और ये 2 2 4 2 8 2 16 होता है, तो ये 81/16 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, और ये माइनस चिन्ह रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस 4 बार गुणा करोगे तो धन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है ना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो PVR स्टडी इलाहाबाद को तुरंत सब्सक्राइब करें, बिना देर करे हुए जल्दी से करें झट से, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको अगली क्लास भी मिल सके। और हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ विशेष PVR स्टडी के ग्रुप चैनल पर, तो आप PVR स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए फिर देर ना करें, कुछ आगे चलते हैं साथियों। कुछ होमवर्क स्वरूप आपके लिए दे दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लो जल्दी से, और इसको घर से करना, ठीक ना। ये इसी में का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, 8^-1 × 5^3/2^-4, इसको घर से ट्राई करना, नहीं आएगा हम आपको बताएंगे। एक और भी क्वेश्चन लिख लीजिए आप जल्दी से, बिना देर करते हुए तुरंत फटाफट। घात और घातांक का ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, जल्दी से नोट करिए, ये सेकंड नंबर है आपके लिए होमवर्क, होमवर्क जरूर करना। अभी और भी सवाल करवाएंगे, टेंशन मत लेना, होमवर्क लिखने के बाद अभी कुछ अलग तरह के सवाल हम करेंगे। ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट घर से करना। PVR स्टडी ब्लॉग चैनल को एक बार ज़रूर देखना, हमसे जुड़ी आप विशेष वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं,
और सब्सक्राइब जरूर करना। ये होमवर्क हो गया। चलिए अब मित्रों हम आपको बता दें कि 12.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बात और बता दें कि आप लोग इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद से कर लेना घर से, ठीक ना। 7 नंबर सवाल हम आपको बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 ये है 25 अपान, पहले इनटू में है टी का पावर माइनस 4, फिर नीचे है 5 का पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी का पावर माइनस 8, 5 का पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी का पावर माइनस 8 ये है। और हाँ यहाँ पर एक कंडीशन है कि टी डज नॉट इक्वल 0, इसको हल करना और फिर बताना क्या आएगा, सिंप्लीफाई करना है। वैसे उम्मीद करते हैं आप कर लोगे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। देखिए 25 होगा, आप जानते हो किसी नंबर का या फिर चार अचर का घात जो माइनस होता है उसका मतलब वो भिन्न उलट देते हैं संख्या को, चाहे जो भी हो। जैसे अगर टी का पावर माइनस 4 है, इसका मतलब इसको पलट देंगे संख्या को, यानी कि टी का पावर ये 1/4 रहा होगा, अर्थात हम इसकी जगह पे 1/4 कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। 5 का पावर माइनस 3 का मतलब है कि 1/5 ये 3 रहा होगा, इंटू 10 इंटू 1/8 रहा होगा, इतना कन्फर्म है ना। जहाँ भी घाते माइनस है उनको पलट देंगे हम। चलिए अब ध्यान देना क्या होगा, आपके सामने देखना साथियों, इसको आप मल्टीपल कर लोगे फ्रैक्शन बन जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25/T4। ध्यान देना ये क्या होगा, 5 25 5 125 होगा, यानी कि 10/125 होगा लगभग, होगा ना। इसको यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख लूँगा, 10/125 और गुणा ये 1/8। देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 5 25। बात समझ में आ रही ना। एक लाइन और कर लेते हैं इसी में, जिससे आपको कोई झंझट ना लगे। 25/4 ऊपर वैसे लिख लिया, ये बराबर लगा है, गौर करना। ये 2/1, ये 25 है नीचे ना, नीचे क्या 25 है ना, तो 2 का मल्टीपल 1 में करोगे 2 रहेगा, 25 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/25 T8। इतना बात समझ में आई ना। अब यहाँ अगर आप एक बात गौर करो तो ये भिन्न के नीचे भिन्न हो जा रही है। क्या हो जा रहा है, भिन्न के नीचे भिन्न बन जा रही है। अब इसको तो आप हल करना बहुत अच्छे से जानते हो ना, बहुत अच्छे से जानते हो ना मिस्टर, इसको नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, साइड में चलिए हम कर देते हैं जहाँ भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से समझना। देखिए साथियों, इसको करने से पहले आप एक बात जानते होंगे कि अगर कहीं भिन्न के नीचे भिन्न लिखी गई है तो उसको करने का एक तरीका क्या होता है, एक मिनट देखना। जैसे a/b है और कहीं आपको p/q मिल जाए, इस तरह का फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे कुछ बन रहा है मित्रों, इसमें सबसे आसान तरीका आपको बताऊँ तो a/b पहले लिख लेते हैं ऊपर वाला, फिर मल्टीपल लगा करके इसको पलट देते हैं, ये q/p हो जाता है, इसी को याद रखना बस, सबसे आसान है, ठीक। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं कुछ ऐसा ही, है ना, कुछ ऐसा ही करते हैं। पहले 25/ ये t/4 ऐसे लिख लेंगे, फिर मल्टीपल लगाएंगे, इसको पलट देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 25 t/8/2, बस हो गया, आंसर आ गया। देखो यहाँ पर 4 घात है, वहाँ पर 8 घात है, इसको आप घटाओगे तो ये घातें घट जाएंगी, एक प्रकार से आप जान लो कि 4 में से, देखिए हम 4 से 8 को काट करके 4 नहीं लिख रहे हैं,
पता है क्या किए हैं आप नहीं समझोगे, ये इसका मतलब ये हुआ, इधर देखना पहले तब बाद में बताएंगे। T^8 और T^4 है ना, पता है कैसे हल होगा? भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ये T^8-4 होगा और फाइनल में T^4 आएगा। बात समझना, हम वहाँ पर आपको दिखाने के लिए जो काटे हैं कटेगा नहीं ऐसे, मतलब घात घट जाती है, सबट्रैक हो जाता है। तो ये तो हमने आपको 60 में दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। अब 25 का 25 में गुणा कर लोगे तो 625 हो जाएगा और ऊपर आपका T^4 भी आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, बस यही आंसर कहलाएगा। देखिए क्लास भले बड़ी हो जाए लेकिन आपको समझ में आई है हमारी प्राथमिकता होती है। इसके बाद है संख्याओं को मानक रूप में लिखना। एक्सरसाइज 12.2 हम आपको कल दिखा देंगे, संख्याओं का मानक रूप। अगली क्लास कल जरूर देखना। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर क्लास बहुत छोटी काहे होती है। देखिए बच्चा, क्लास बहुत बड़ी होती है हमारे पास लेकिन आपको हम छोटी करके दिखाते हैं। शायद आप ये भूल जाते हैं कि आधा घंटा की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए हम इसमें 2.5 घंटा कुर्बान करते हैं। उसका कारण क्या है? जो आप देखते हो ना, झट से वीडियो आ जाता है, मिटाते नहीं नज़र आते हैं, क्वेश्चन लिखते नहीं नज़र आते हैं, ये सब हमारे द्वारा इसमें जो कलाकारी की जाती है ना, इसमें टाइम लगता है, टाइम खपाया जाता है इसमें। जैसे अगर आप आधा किलो घी देखते हो ना, तो आधा किलो घी में 10 लीटर दूध खपाया जाता कम से कम। तो मतलब समझना। हाँ, जो स्टूडेंट पूरा कंप्लीट क्लास सीखना चाहते हैं ये व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, केवल इंक्वायरी, व्हाट्सएप पे कोई क्लास नहीं मिलेगी। फ़ोन कॉल के लिए नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर हैं। यूट्यूब पर आपको सारी क्लास फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सारी क्लास व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं, यूट्यूब पर आपको कोई समस्या हो रही है, टेलीग्राम पर क्लास पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कक्षा 8 तक आप मात्र 549 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 दिसंबर 2019 के लिए है। उसके बाद ये शुल्क बढ़ने वाला है, क्या होगा नया अपडेट आपको जल्दी ही दिया जाएगा। बाकी आप यूट्यूब से सब्सक्राइब करके रखें, फ्री में देखते रहें। यहाँ पर जो क्लास आप खुद से देखेंगे ढूंढ करके, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक ना? लेकिन अगर कंप्लीट सीखना है तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिया जाएगा, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्लास नहीं मिलती है, डिलीट हो जाती है, बार बार देख सकते हो, 1000 बार देख सकते हो। पूरे एक साल के लिए, पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 549 में आप ज्वाइन कर सकते हो बेसिक मैथ। तो अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अभी तुरंत लाइक करें। अगर फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, या फिर आप फेसबुक पर जाकर के सर्च करें PVR स्टडी, फेसबुक लॉगिन करें, जहाँ पर फ्रेंड सर्च करते हैं वहाँ PVR स्टडी सर्च करें और पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, आपको सभी फ्री क्लास वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। और साथियों, इस क्लास का समय शाम को 9 बजे किया जा रहा है बदल के, ठीक ना? याद रखना, 5 दिसंबर से हो सकता है इस क्लास का समय शाम को 9 बजे कर दिया जाए। तो आप लोग अपने विचार जरूर देना, चाहते हो 9 बजे कि नहीं, कमेंट करना जरूर, ठीक ना? शाम को 9 बजे ये क्लास चाहते हो कि नहीं आप सभी? सुबह 5 बजे अभी तक था टाइम। तो चलते हैं फिर, धन्यवाद एक बार फिर से। क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हर किसी को शेयर कर दीजिए, फ्री की क्लास है, किसी के काम आएगी। सभी को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे।